व्यूअर्स, 2 टेबलस्पून में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 जिंजर एंड ग्रीन चिली और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। करीब 2 बड़ा चम्मच इसमें हमने डाल दिया है चिली और जिंजर चॉप किया हुआ और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। ये जो आलू है इसको हमने पहले से ही बॉईल करके मैश कर लिया था और इसको ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, करीब 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर लिया है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, अब हम इसको उतार लेंगे एक प्लेट पे। हमारा जो ब्रेड पकौड़ा का मिक्सचर है वो बन चुका है। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें वाइट ऑयल डाल देंगे पकौड़ा तलने के लिए। अब हम ब्रेड में अच्छे से हमारा जो स्टफिंग है उसको अच्छे से लगा लेंगे, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, और इसको बंद करेंगे दूसरे ब्रेड से। अब इसके जो साइड्स हैं इसको काट लेंगे और इसको बीच से कट लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने भर लिया है। अब हम जो बेसन का घोल है वो बनाएंगे। इस ये जो बेसन का घोल है इसमें हमने बेसन लिया है और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, चिली पेस्ट डालेंगे। डाल के अब ये जो घोल है इसमें ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो डाल दिया है। अब तेल भी गर्म हो चुका है, तेल में हमने डाल दिया है हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है। अब इस घोल में थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए, ब्रेड को हमने दूसरी तरफ से पलट लिया है। जो हमारा ब्रेड पकौड़ा है दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से पलट लिया है और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल बनके रेडी है। तो आइए चलिए हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। देखिए, हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है बन चुका है। इसको हम टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक यू।